आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बात के लिए और अभिनंदन करना चाहूंगा कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसका जिक्र हो करके, यानी एक, और भले ही वो छोटा सत्र था लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था, इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है। और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। तीन तलाक, कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी, अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन तीन तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह अन्याय हमने पूरा किया है, और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है। VK News, राष्ट्र के नाम।